हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने जैसा, आज संडे का दिन है, तो आज मैंने जैसा सोया थी उठा है 6 बजे ऐसा आसपास में उठ के मैं और हस्बैंड चाय पी लिया। हस्बैंड तो गया काम पे, उसका तो मतलब संडे क्या, कुछ दिन भी उसका छुट्टी नहीं है, हर दिन उसका होता ही है। ठीक है, तो चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मतलब हो ही गया। जब उसका संडे का दिन मतलब छुट्टी नहीं है हर दिन का, वो तो अलग बात है। उसका बाद वो जाने के बाद मैं सो गई थी, फिर अचानक 7:30-8 बजे कितना जोर से तूफानी हो रहा है, बहुत जोर से तूफानी हो रहा है और बारिश भी हो रहा है, बहुत जोर से बारिश हो रहा है। फिर भी अभी भी देखो बारिश हो रहा है। आज लाइट भी नहीं है, जब बारिश हुई थी तब भी लाइट भी चले गया, तो लाइट भी नहीं। मैं तो उठ के फिर झाड़ू किया, मैंने आज पोता नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं है और बारिश भी हो रहा है और भी गीला हो जाएगा, तो इसके लिए मैं पोता भी नहीं किया। फिर झाड़ू देकर फिर से मैंने सो गया था। फिर अभी मैंने उठा है, अभी नाश्ता देखती हूँ क्या करती हूँ, वही मैं देखा। आज लाइट भी नहीं है, आज मतलब वीडियो होगा, मैं छोटा करके करूँगी क्योंकि थोड़ा लाइट होने से पूरा इधर देखो मतलब क्या बोलूँ, पूरा मतलब अंधेरा। ऐसा इधर हालात है, तो मैं देखती हूँ क्या मैं कर सकती हूँ। आज कुछ करने का मन भी मेरा नहीं हो रहा है। मतलब इतना अच्छा वेदर में हार्ड टाइम जैसा लगता है, मैं सो जाऊँ ऐसा मन हो रहा है। लेकिन ठीक है, तो चलो मैं देखती हूँ। तो आप सब वीडियो जरूर देखिए और आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है, और वीडियो शेयर भी आप करिए। ज़्यादा शेयर करने से मेरा भी थोड़ा वीडियो और भी मतलब अच्छा हो जाएगा, सब देखेगा तो अच्छा है ना। कोई ज़्यादा वीडियो को ही देखने से सबको अच्छा लगता है, तो आप सब वीडियो शेयर भी कर सकते हो, शेयर ज़्यादा करके शेयर करें। तो चलिए मैं आती हूँ, अभी नाश्ता बनाऊँगी। क्या नाश्ता बनाऊँगी आज, मैं सोच रहा था आज थोड़ा बेसन से, मेरे हस्बैंड को थोड़ा बेसन आइटम किया है, उसको थोड़ा 2-3 पकौड़ा बना के मैं दे दिया, और उसको अचार मामला दिया है, तो मैं भी इससे थोड़ा प्याज काट के थोड़ा प्याज का पकौड़ा और मामला खाइए। ठीक है, तो चलो। तो फ्रेंड्स देखो, मैं इधर प्याज काटने के लिए बैठ गई हूँ। तो प्याज के में पकौड़ा मतलब मेरे को अच्छा लगता है, आलू का इतना अच्छा नहीं लगता है, आलू का हस्बैंड को और लड़का को बहुत ही अच्छा लगता है, तो मेरे को प्याज को ही अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं प्याज काटने के लिए बैठ गया। और फ्रेंड्स आज तो थोड़ा बारिश हो रहा है, तो लाइन भी नहीं है, तो इसके लिए पिक्चर मतलब वीडियो थोड़ा अंधेरा है, लेकिन अच्छा है, थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बाहर का वेदर भी थोड़ा इतना लाइट नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा अंधेरा हो गया। तो इसका बाद मैं आई हूँ लड़का के लिए सूजी करने के लिए, और मेरा इधर बोतल में पानी नहीं था, तो पानी मैं डाल रहा हूँ। फिर इधर मैं आई हूँ पकौड़ा बनाने के लिए, मतलब थोड़ा मेरे लिए मैं करूँगी क्योंकि लड़का को तो नहीं खाएगा, वो तो सूजी खाएगा, और मैं मेरा लिए मामला से मतलब 5-6 ऐसा मैं कर दूँगी, तो वही मैं खा लूँगी। फिर भी 5-6 बोल के ऐसा इतना कम होती नहीं है, ज़्यादा हो जाती है, तो चलो ठीक है। पकौड़ा ज़्यादा खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लगते हैं। बारिश का टाइम वो पकौड़ा से मामला बहुत ही अच्छा लगता है, बारिश का टाइम खिचड़ी भी और भी अच्छा लगता है, अगर दोपहर के खाना में खिचड़ी होता है तो और भी अच्छा है, लेकिन हस्बैंड का तो ड्यूटी है और वो ऐसे ही संडे का टाइम हाफ टाइम में आ जाते हैं, लेकिन ये संडे को अभी फुल ड्यूटी करेगा, तो उसको आ जाते रात हो जाएगा, तो इसके लिए मेरा और लड़का के लिए मैं खिचड़ी नहीं बनाया। तो इधर देखो मैं फिर मतलब ये मेरा सेकेंड टाइम झाड़ू दे रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने एक बार दे दिया, फिर मामड़ा फमड़ा खा के फिर थोड़ा देख रहा हूँ, मतलब गंदा है थोड़ा, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इधर मैं इसके लिए मैं दूसरा बार मैं झाड़ू दे रहा हूँ। फिर उसका बाद भी मैं पोता भी लगा दिया, क्योंकि मैं पहले बोल रहा था आज मतलब वेदर अच्छा नहीं है, ठंडी का मौसम है, तो लाइट भी नहीं है, अगर घर सूखेगा क्या नहीं, फिर भी कैसा हमको लगता है, मतलब मेरा ये देने से इतना हैबिट हो गया है, जे थोड़ा सा भी गंदा
देखने से मेरा गान में रहने से सच में अच्छे नहीं लगता, तो इसके लिए मैं बोला नहीं, झाड़ू पोता भी हम थोड़ा सा दे देती हूँ और सूख तो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पंखा चालू करने से क्या होता है, जल्दी जल्दी सूख जाती है। और फिर आज बारिश का भी मौसम है, घर में भी थोड़ा एक आएगा तो अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को रहने से अच्छा नहीं लगता, यही एक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो मैं पोता कर दिया। फिर उसका बाद मामला तो मैंने पहले खा लिया, फिर उसका बाद मैं इधर बाहर में थोड़ा चाय पी लिया। बाहर तो ठंडी है, फिर भी वेदर अच्छा ही है, ठंडी है वेदर अच्छा है, लेकिन बहुत ठंडी है, अभी भी थोड़ा ठंडी ठंडी पड़ रहा है। तो इसके पहले मैं देखो ये थोड़ा मटर मैं इधर गीला करके रखा था, मैं सोच रहा था कि सुबह में हस्बैंड को मैं रोटी और मटर का सब्जी बना के दूंगी, लेकिन वो बोला नहीं मैं आज मतलब चाल मतलब खाने लेके नहीं जाऊंगे, तो उधर से खाना का मतलब आज देगा। तो इसके लिए मैं और मटर जो गीला करके रखा था मैं और किया नहीं, मैं सोच रहा था ठीक है चलो वो मैं रात को मैं कर दूंगी, रात को रोटी से हो जाएगा तो अच्छा है। तो इसके लिए मैं वो रख दिया था, रात को मैंने फिर किया था वो मटर का सब्जी और रोटी, तो ये मैंने किया था। फिर अभी मेरा और लड़का के लिए खिचड़ी तो बनाने का मन है, लेकिन मैं आज खिचड़ी नहीं, क्योंकि खिचड़ी मेरा हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, ठीक है, तो वो एक साथ खाने में अच्छा लगता है। तो इसके लिए मेरा और लड़का के लिए थोड़ा दाल अंडा और चावल और आलू देके मैं बैठा दिया था, तो जल्दी जल्दी हो भी गया था, इतना टाइम ही नहीं है। और आज बारिश का मतलब वेदर में बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्रेश आज में काम करने का इतना मूड नहीं था, हर टाइम लगता जैसे सोने का मूड है, मतलब धूप होने से जैसा लगता है ना, फिर उस टाइम थोड़ा बहुत ही अंधेरा हो गया था, सुबह से ही थोड़ा वेदर बहुत ही मतलब अंधेरा हो गया था, तो इसके लिए काम करने का इतना मतलब मूड नहीं हो रहा था। फिर मैं अभी आज आई हूँ थोड़ा अंडर आर्म्स करने के लिए, क्योंकि ऐसा ही तो हेयर इतना नहीं है, मैं हर महीने में करती हूँ, मैं वैक्स से ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि वैक्स से करने से क्या होता है मतलब थोड़ा ब्लैक ब्लैक नहीं होती है, वैक्स से अच्छा है। लेकिन अभी जो वेदर और इधर आने का टाइम, इधर आने के बाद मैं पार्लर में ऐसा मैं गया भी नहीं, और मेरा मतलब वैक्स से जो मैं अंडर आर्म्स करूँगी वो भी मेरा हुए नहीं। तो आज थोड़ा सोचा है, मैं भी सोच रहा था हेयर का भी थोड़ा वॉश करूँगी, तो बहुत ही ठंडा है, लेकिन मैं पहले मतलब कर लिया हेयर भी मैंने वॉश कर लिया, तो इसके लिए सोच रहा था थोड़ा अंडर आर्म्स भी कर लेगा तो अच्छा है। तो ऐसा ही छोटा छोटा है लेकिन नहीं करने से अच्छा है, लेकिन और मैं पार्लर में जाने का मेरा टाइम भी नहीं होती है और अच्छा भी नहीं लगती है, तो ठीक है चलो घर में एक दिन मतलब मायने मतलब दो तीन महीने करने में इतना ही नहीं, लेकिन इससे मेरा को अच्छा नहीं लगता है, जैसा लगता है जैसा मतलब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा अंडर आर्म्स, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए मैं इसे करता नहीं हूँ। फिर भी चलो आज एक बार मैं ट्राई कर लिया, किया है, लेकिन बहुत ही मैं कम करती हूँ अंडर आर्म्स, मैं ज़्यादा वैक्स से ही करती हूँ, जो पार्लर में जब जाती हूँ आईब्रो कराने के लिए तो तब मैं अंडर आर्म्स भी कर लेती हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स मैं वीडियो इतना दूरी ख़त्म कर देती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और जो जो नया आई है मतलब वीडियो मेरा देख रहा है वो भी थोड़ा मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा ही लगेगा, और ज़्यादा ज़्यादा करके शेयर करिए। तो आज के लिए इतना दूर, फिर मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।